अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज से 2 दिन पहले मैंने आपसे इसकी कटिंग शेयर की थी एक छोटी फ्रॉक की। आज मैं आप लोगों को वो स्टिच करना बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। और ये मैंने कटिंग जो है मैंने आपको बहुत क्लियरली बताई थी। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग प्लीज़ दूसरे मेरे पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इसकी कटिंग मैंने बहुत आराम से की थी और बहुत इजीली बताई थी आप लोगों को। मगर इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ जाऊं, आप लोगों के साथ मेरी हमेशा की तरह एक ही इल्तिजा होती है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये स्टिच कैसे करनी है। चलें ये देखें, ये हम लोगों ने ये कलियाँ काटी थी, नीचे से चुड़ाई होती हैं। आप लोगों को पता है कि कलियाँ अरेब की तरह एक साइड से होती हैं और एक साइड से ये सीधी होती हैं। और दूसरा ये कि एक किनारा इसका चौड़ा होता है और दूसरा कम होता है चुड़ाई उसकी। अच्छा, इनको दोनों को दो पट्टियाँ हम लेंगे। इनमें से ये दो पट्टियाँ ली, ये हमने 8 कलियाँ काटी हैं, टोटल 8 कलियाँ। ये देखें, अब ये हमारे पास दो पीस हैं। हमने इनको इस तरह जोड़ना है कि दोनों कलियों में से एक कली का सीधा हिस्सा आना चाहिए और एक कली का ये अरेब वाला हिस्सा आना चाहिए। तो देखें हम कैसे करते हैं। ये देखें, ये इस कली का इधर वाला अरेब वाला हिस्सा, इधर वाला स्ट्रेट है। अब हम इस ये जो दूसरी कली ली है उसका इधर वाला अरेब है और इधर वाला स्ट्रेट है। हम इसको इस तरह रखेंगे कि एक का अरेब वाला हिस्सा होगा और दूसरी का स्ट्रेट हिस्सा होगा, जो हमने उसको एक साथ मिला के सिलाई लगानी है। जिस तरह इसकी कटिंग इजी तरीके से मैंने की थी, उसी तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से बताऊँ ताकि आपको भाषा में समझ आ जाए। ये देखें, अब हमने ये स्टिच कर लिया है और मैं ये सारी सही तरह जोड़ के इसी तरह से आपको फिर मैं बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। चलिए जी, ये हमने कलियाँ जोड़, ये देखें, अब हमारी कलियाँ जुड़ गई हैं। कलियाँ जोड़ने के बाद हमने ये देखें ऊपर एक एक बारीक टंका रख के जैसे बारीक सिलाई लगाते हैं उस तरह सिलाई लगाई है। हर कली के ऊपर अलग अलग सब के ऊपर सिलाइयाँ हमने बारीक मारी हैं। दोनों साइडों की आगे पीछे की कलियाँ हमारी तैयार हैं। अब हम इनको अटैच करेंगे उसके साथ, फ्रॉक के साथ। मगर उससे पहले ये देखें, ये मैंने पहले से ही सी ग्रीन, क्योंकि इसमें आ रहा है कपड़ा में कलर आ रहा है, इसलिए मैंने सी ग्रीन कपड़ा लिया है। उसके साथ मैंने ये फ्यूजिंग पेस्ट की है, ये देखें, ये इसका गोल गला बनाया है। उसके बाद मैंने फिरकी में धागा भर के, ये देखें, ये फिरकी में धागा भर के उल्टा रखा था, यानी कि ये ऊपर वाली साइड रखी थी, ये धागे की सिलाइयाँ देखें, और ये नीचे फिरकी का धागा था। और मैंने इस तरह इसको डिज़ाइनिंग कर ली। ये पिंक कलर का धागा मैंने लेके मोटा, उसके साथ ये डिज़ाइनिंग की है। अच्छा भैया, उसके किसी टाइम मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊँगी कि ये किस तरह बनाते हैं। बहुत ईजी है बनाना, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये देखें। अच्छा, अब हम इसको ये देखें, अब हम इसको देखें, ये भी उल्टा रखेंगे और कपड़ा भी उल्टा ही रखेंगे। ये देखें, उल्टी साइड पे रख के हम इसको बिल्कुल जो कमीज का सेंटर है उसके ऊपर रखेंगे।
जैसे हम गला पेस्ट करते हैं कमीज़ के साथ लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग भी गोल गला लगा लेंगे। अब हम इसको इसी तरह रखेंगे गोल गले को और ये इसकी कटिंग करेंगे। मैंने जैसे बच्ची का रखा है छोटा सा गला, आप लोग अगर बड़ी फ्रॉक बनाना चाहें तो उसके नाप के अकॉर्डिंग ही सारी कटिंग होगी। अब देखें इसको हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे। ये नोचेज लगाने के बाद फिर हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे। ये देखिए अब जब ये सीधा सीधी साइड पे आएगा ये देखिए इसकी लुक ऐसे आ जाएगी। मैं इसको सीधा करूं, ये देखिए अब हमने ये गला बना लिया, ये गला हमने तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हम ये देखिए इसके ऊपर हम लेस कोई है तो लेस अटैच कर देंगे ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। मेरे पास क्योंकि ये वाली लेस पड़ी थी तो मैंने सोचा कि ये वाली लेस इसके ऊपर लगा दूँ ताकि ये इसकी ज़रा लुक अच्छी हो जाए, फ्रॉक के साथ अच्छा लगेगा। ये इस तरह हम इसको अंदर मोड़ेंगे साइडों से कपड़ा और ऊपर रख के इसको लगाते जाएंगे। ये देखें इसको ऐसे मोड़ेंगे, ये इस तरह कपड़ा मोड़ेंगे इस तरह अंदर को
और ऊपर रख के हम लैस लैस करते जाएंगे इसके साथ साथ। मगर ये थोड़ा सा एहतियात के तौर साथ कीजिएगा, क्योंकि नीचे से कमीज़ का कपड़ा जो है वो इधर उधर होता है, तो ज़्यादा भरना पड़ जाए नीचे वाले कपड़े को। चलिए मैं ये सही तरह लगा लूँ आपके, मैं आपको भी बताती हूँ क्या करना है। अच्छा जी, ये देखिए अब हमने जब ये सिलाई कर लिया, तो इसके बाद हम इसकी कलियाँ जो हमने अटैच करके रखी हैं वो हम इसके साथ जोड़ेंगे। अब हम ये बैक साइड मैं ले रही हूँ पहले। ये देखें, ये जो हमने कमीज़ की तरह काट के रखा था उसमें से दरमियान से जो पट्टी निकाली थी उसकी जगह हम अब कलियाँ अटैच करेंगे। ये देखें, ऐसे कलियाँ पकड़ेंगे, ये इस तरह कलियाँ पकड़ के कलियों को हम ऊपर को रखेंगे नेक वाली साइड पे चढ़ाई, और इस तरह हम इसको पकड़ेंगे। ये देखें, कलियाँ हमें इसके साथ जोड़ेंगे। अब जो हमने कमीज काट करके रखी हुई थी ये देखें, ये हमने ऊपर वाला हिस्सा जोड़ा। अब हम ये साइडों पे, ये हम इसकी साइडें जोड़ेंगे। साइडें जोड़ने से पहले हमने ये कमीज़ के इस कोने को पकड़ना है और हल्का सा इसको कट लगाओ, हल्का सा बिल्कुल ना होने के बराबर, इस तरह करके अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये देखें, ये हमने इसको इसके साथ अटैच कर लिया। ये कलियाँ इसके साथ लग गई। अब इसके ऊपर ये जो हमने अटैच की है इसके ऊपर बारीक रख के सिलाई हम लोग लगाएंगे, ताकि इसकी कोई चुनट वगैरह या कुछ भी हो जाता है तो वो ना रहे, अच्छी तरह बारीक सिलाई लगाएंगे। अच्छा जी, ये देखें, अब हमने मैंने पहले आपको बताया था कलियाँ जोड़नी कैसे,
मैंने वो कलियां जोड़ के, ये देखिए इस जगह से ऐसे मैंने ये कलियां अटैच की हैं, ये सारी जोड़ के फिर मैंने ये, अब ये देखें जैसे हम फ्रॉक की फिटिंग करते हैं उस तरह से मैंने इसकी फिटिंग भी कर ली है। ये फिटिंग करके नीचे से बारीक मैंने मोड़ लिया है। अच्छा, मेरे पास ये लैस पड़ी थी तो मैंने ना इस तरह करके मैंने स्लीव्स में ये लैस अटैच की है। इसी तरह मैं सोच रही हूँ कि दामन पे भी ये लगा दूँ ताकि इसकी ज़रा फ्रॉक की लुक अच्छी आ जाए। ये देखिए, चलिए फ्रॉक पे हम दामन पे ये वाली लैस अटैच करते हैं। आप जी व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों के सामने वही फ्रॉक से डिज़ाइन दिखाने चाहती हूँ जो मैंने आपको, जिसकी स्टिचिंग बताई है। अच्छा, ये मुकम्मल कर ली है मैंने। ये देखें, मैंने ये इसलिए साइडों की सिलाई और बाजू वगैरह मैंने जो इसके साथ अटैच किए थे वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि क्योंकि ये तो आप लोग करते हो आप, मगर जो डिज़ाइन मैं दिखाना चाह रही थी वो ये है। ये देखें, कलियाँ लगी हैं, घेर भी ज़्यादा हो गया है। वही कमीज़ जो मैंने सिंपल शर्ट स्ट्रेट मैंने काटी थी उसी को हमने ये फ्रॉक डिज़ाइन बनाया है। देखिए इतनी खूबसूरत फ्रॉक बन गई है। ये देखें, मैंने दरमियान से काटा था जहाँ कपड़ा, वहीं मैंने कलियाँ लगाई हैं। अच्छा, ये नेक डिज़ाइन भी मैंने आपके सामने, ये देखें। इसके अलावा ये मेरे पास जो लैस थी मैंने बताया था आपको, ये लैस भी लग गई। और मैंने स्लीव्स जो हैं ये फूल बाजू बनाए हैं इसके साथ। ये देखिए, बैक गला भी आपके सामने मैंने गोल ही बनाया है क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा कलियों का और ये फ्रॉक बना दी, इसलिए ये हमारी बनके कितनी अच्छी लग रही है। ये तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताएंगे कि ये फ्रॉक आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, इसके साथ मैंने स्ट्रेट पजामा बनाया है, जो ट्राउज़र स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है। मैंने अपनी वीडियो में ये इलास्टिक लगाना भी आप लोगों को सिखाई है। व्यूअर्स, ये था मेरा आज का डिज़ाइन, और अगर आप लोगों को ये फ्रॉक पसंद आए तो मुझे लाइक करें और मुझे कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इजहार दें। और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।